अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम इस पबजी के गेम पैड का रिव्यू करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। इसको जो अनबॉक्स या रिव्यू करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार ये बहुत ही सस्ता मुझे मिला है। इसकी प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राइस आप देख सकते हैं 269 का। ये तकरीबन 230 रुपये का था, मुझे ये डिलीवरी के साथ 269 270 रुपये में पड़ गया पूरा का पूरा यहाँ घर तक। ठीक है, शापर मैंने पहले फाड़ दिया चेक करने के लिए कहीं वर्किंग ना हो, ख़राब हो तो मैं इसको रिटर्न या क्लेम कर सकूँ। उसके बाद इसको ओपन करते हैं। सेलर ने इसको बड़े अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज रखने के लिए, डैमेज ना हो तो उसको बबल रैप से कवर किया था, बड़ा प्यारा कवर किया था, ओके था। ठीक है जी, उसके बाद ये है पूरा हमारा गेम पैड 5-in-1 230 रुपए में। मैंने ऑफलाइन मार्केट में देखा था इसकी प्राइस 500 रुपए के, मुझे इसने बताया था, और मेरे एक दोस्त ने दराज से परचेज़ किया था थोड़ा एक दो महीने पहले, उसने 1200 का महल परचेज किया फुल गेम पैड। ठीक है, तो मुझे नहीं पता उसके पास कौन से जो हैं चीज़ें होंगी, उनसे मैंने उसको काफ़ी था मुझे यार मुझे रिव्यू के लिए दे दे मैं करा लूँगा, बट मैंने फिर उसके बाद में ये नहीं, मैं भूल गया। अभी मैंने ये मुझे दराज पे सर्चिंग करा था तो मुझे नॉर्मली जो है ना ये सस्ता सा मिल गया, मैंने कहा परचेज़ कर लेते हैं और आप तक रिव्यू कर लीजिएगा क्या ये वाकई वर्किंग है, इसका मटीरियल अच्छा है कि नहीं अच्छा। इस बॉक्स को ओपन करने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे रेड कलर बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करो, साथ में बेल के ऑप्शन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो इसको ओपन करते हैं यहाँ से, जिस तो ओपन करते हैं और ये सारा का सारा निकालते हैं यहाँ, इसको यहाँ साइड पे रख लेते हैं। तो पहली चीज़ें ये, अब इसमें ये मैं हर गेम पैड को ही सबको गेम पैड बोलते हैं, ये तो हमें पता है कि ट्रिगर्स हैं। इन ट्रिगर्स की क्वालिटी की बात करें तो ट्रिगर्स अमूमन मुझे जो है ना सुनने में यही देखा या देखने में मुझे यही मिला है कि यार ट्रिगर्स हैं काम सही नहीं करते, टूट जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कैसे काम करता है कि नहीं करता। तो अच्छा, यहाँ से आप जो है ना सिंपली इस बटन को प्रेस करेंगे, ये अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे पीछे ट्रिगर से तो ये जाके टच होगा आपके स्क्रीन को और ये होगा, ये लॉक सिस्टम है, ये आपके जो है जैसे उस पर स्लिप होना हो टाइट रहे इसको, ये लॉक सिस्टम है, ये जो लगा हुआ है ये लॉक सिस्टम है। इसको इनको मैं साइड पर रख देता हूँ, इसको सॉरी इन भी रख देता हूँ। ऊपर जो है टॉप पे आपको दिए गए हैं ये मूव करने के लिए, आप जिससे जो आप भागते हैं टर्न करते हैं ये उसके लिए दिया गया, आप ये दे सकते हैं बहुत ही, क्योंकि ये आपकी जो फिंगर है वो स्क्रीन पे कभी कभी जो है स्लिप नहीं होती, सही तरह स्लिप नहीं होती है, जो मूव नहीं करती, तो ये उसके लिए दिया गया। यहाँ पे इसको बैक पे वो है उसी तरह रबड़ लगी हुई है वो स्क्रीन पे मूव नहीं की। मेन चीज़ ये है गेम पैड, ये पूरा का पूरा एक सेट है, इसको यहाँ पे साइड पर रख लेते हैं, और ये यहाँ से एक्सटेंड भी होता है, यहाँ से आपका अच्छा ये यहाँ से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से जो है ना यहाँ पे टाइटनेस है कि वो मोबाइल को टाइट रखे, यही सारी ग्रिप है ताकि मोबाइल आपका स्लिप मिप ना हो। बैग पे ये एक क्लिप दिया गया है, अगर आप इसको क्लिप को खोलते हैं ना, इस क्लिप को खोलते हैं और यहाँ से इसको फिर दोबारा यूज करके खोलते हैं तो ये एक तरह से गेम पैड आप मतलब आप मोबाइल फ़ोन को इस तरह से रख लेते हैं। मैं अब इसमें मोबाइल फ़ोन लगाता हूँ और बताते चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। यहाँ से इसको लगाया, नीचे किया, प्रॉपर जो है लॉक सिस्टम में, ये भी लॉक में बैठा नहीं है ये। अब ये है कि पूरा का पूरा ये जो है लॉक सिस्टम में मोबाइल फ़ोन, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से भी ये अंदर है, ये भी ग्रिप अंदर है, और यहाँ पे ऐसे अगर आप रखना चाहते हैं और जूम खेलना चाहते हैं तो ये चीज़ इसलिए ये बैक भी दी गई है। अब हम ट्रिगर्स लगाते हैं, ट्रिगर मैं यहाँ पर अगर चेक करना चाहता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे वो ई बटन होता है तो ये जाएगा टॉप पे, ये बैक पे चला जाएगा और ये ऐसे लगेगा, ये अंदर चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा और ये इसको अपने रखना है इधर, और ये जो बैक पे था हाँ सॉरी ये पहले से ही जो है ना माउंट हो चुका है, टाइट हो चुका है, आपने इस चीज़ को टाइप कर लेना, टाइप से ये होगा कि ये गिरेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा जब आप उसको क्लिक करेंगे, और आपने फिर ये इस तरह से ऊपर से क्लिकिंग करनी है, क्लिकिंग तौर से आपने ज़्यादा जो हल्की से जोर का दबाना, ये ना कि आप स्क्रीन बहुत ज़्यादा दबा दें। तो ये देखते हैं, देखते हैं लॉक सिस्टम लगाते हैं, यहाँ पे ये क्लिकिंग हो गई और ये मेरा जो है सॉरी कैमरा ओपन हो गया, तो मतलब ये बात की जाए तो ये क्लिकिंग कर रहा है। इसी तरह सेकेंड ट्रिगर भी उसी तरह लगेगा, ये क्लिक है ये आपने पहले ऊपर करना है, ठीक है जी, और इस तरह आपने लगाना है और इस जो वो क्लिप था जैसे ये देखें ये पुश बैक हो रहा है, जैसे इसको मैं लगा रहा हूँ अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ ये
अब ये पुश बैक हो रहा था, आपने क्या करना है, ये इस तरह से माउंट किया, ठीक है। माउंट करने के बाद आपने इस चीज़ को, ये प्लास्टिक व्हील को इस तरह से नीचे कर लेना है। फिलहाल मैं आप इसी तरह कर लेते हैं ताकि ये जो है ना, ये भी अब माउंट हो गया। इस तरह से ये माउंट कर लेना है। ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो प्लास्टिक मटीरियल है, ये नीचे होना चाहिए ताकि ये स्लिप ना करें। ये आपके ट्रिगर्स लग गए और ये आपका जो मूवर है, मूव करने वाला, ये लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो एक प्लास्टिक दिया गया है, देख रहे हैं, ये जाके यहाँ पे लगेगा। इसका जो ये क्लिप टाइप है, ये इधर लगेगा। इसको मैं लगाता हूँ, आपकी जोन लगे, टूट ना जाए, बाकी तो खैर है। अब ये पता नहीं लगेगा कैसे। तो दोस्तों, इसको बात को देखेंगे कि ये कैसे लग, क्यों नहीं इतना टाइट, क्यों है सख्त, क्यों है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा गेम पैड, ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये अभी यहाँ पे लग क्यों नहीं रहा। चलो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा गेम पैड। जैसे मैंने प्राइस की बात कही तो 70 में मुझे घर तक पड़ा। ऑफलाइन में मार्केट में आपको 700-500 रुपये का देखने को मिलेगा। फिनिशिंग क्वालिटी की बात करें, ट्रिगर जो हैं ओके हैं इस प्राइस में यार, 230 रुपये में इतना ही मिलता है। बाकी ये जो है इस गेम पैड की, इसकी क्वालिटी है, ठीक है जी, इसकी क्वालिटी है। बाकी जो है ना, ये टाइम गुजार लेगा, अपने पैसे जो है ना पूरे कर लेगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये गेम पैड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके परचेस कर सकते हो, जो है ना फुली परचेस कर सकते हो, जो है ना आपके पैसे वसूल हैं, पैसा आपके वसूल हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, जहाँ से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। I'm not the one who's running out of time.